पर साजिश करने का आरोप लगाया है। जनरल वी के सिंह के इस वक्त केंद्र सरकार में बतौर मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाया है, साजिश करने का आरोप लगाया है। सुकमा लैंड डील मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद जनरल पी के रथ की फैमिली वालों ने, परिवार के लोगों ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह पर साजिश को करने का आरोप लगाया है। जनरल वी के सिंह इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वी के सिंह की मुश्किल इस पूरे मामले को लेकर बढ़ सकती है आने वाले वक्त में। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है आर्मी कोर्ट से, सुकमा लैंड डील में क्लीन चिट मिलने के बाद पी के रथ के परिवार वालों ने थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, वीके सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई? देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात है कि इस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, और जनरल वीके सिंह उस समय चीफ थे जब 32 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर पी के रथ जो थे उनको सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ ये पूरा मामला चला था। इसी को देखते हुए अब उनको राहत की बात यह है कि जनरल रथ को इस समय क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि इनका जो लॉस ऑफ ऑनर है उसके लिए 1,00,000 रुपीज का फाइन इम्पोज किया जाए, उसके साथ साथ इन तमाम चीजों के बारे में कहा, यहाँ तक कि ये भी कहा जो कि आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल, आर्मी के लिए निश्चित तौर पर मनीष, बिल्कुल सही आपने कहा, एक सेटबैक है। और आने वाले वक्त में जो ये आरोप लग रहे हैं उनकी गंभीरता को देखते हुए सरकार में बतौर मंत्री वीके सिंह के लिए मुश्किलें कई लेवल पर बढ़ सकती हैं और सरकार के लिए खुद के लिए भी। तो सुकमा लैंड डील मामले में मुश्किलें बढ़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की, साजिश करने का आरोप लगाया है पी के रथ के परिवार वालों ने। सुकमा लैंड डील मामला है पूरा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर अब वक्त है एक्सप्रेस 100 का। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मकसूद खान। एक्सप्रेस 100 देश का अकेला सर न्यूज बुलेटिन जिसमें खबरों की रफ्तार भी है और खबरों का विस्तार भी। आप देखेंगे देश विदेश की सभी 100 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। हमारी कोशिश की 100 खबरों के नाम पर आपको एक ही खबर नहीं दिखाएंगे, आप पाएंगे